सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे यार। तो भाई, कल के व्लॉग की मेरी एडिटिंग बस हो ही गई है, बस अब जस्ट मैं अपलोड पे लगाने जा रहा हूँ यार। तो फटाफट इस व्लॉग को अपलोड करते हैं और जाके नाक धो के बढ़िया फ्रेश होके फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज, नहा धो के ऑल सेट रेडी हो चुके हैं और पापा बाहर हैं और हम भी निकल रहे हैं पापा के साथ। पापा के साथ कहीं जा रहे हैं तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि किस जगह जा रहे हैं। वो मतलब ऐसा समझ लीजिए एक जगह है, मतलब वहां जा रहे हैं, वो अपनी है तो वही देखने जा रहे हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा बात बात करनी है, तो फटाक से निकल रहे हैं। तो बाय बाय मम्मी, हम जा रहे हैं बाबा। क्या खुल रहा है? कोई ढाबा, कोई पेट्रोल पंप, कोई कुछ भी, मतलब। तो जा रहे हैं बेटी के पापा और निकलते हैं हम लोग स्टाक से। सो गाइस, यार निकल चुके हैं यहाँ से। तो पापा ड्राइव कर रहे हैं, तो आज गले बैठे हैं क्योंकि मैं पीछे बैठना, क्योंकि मुझे बताना था तो मैं आगे से सही से नहीं था। पापा को डिस्टर्ब होता है गाड़ी ड्राइव करने में, तो स्टाक से उसके बस डायरेक्ट उसी लोकेशन पर जाएंगे और फिर वहीं पर चल के आपको डायरेक्ट बताएंगे पूरा क्या क्या चीज़ है और क्या देखने जा रहे हैं और क्या नहीं देखने जा रहे हैं। तो आई होप मज़ा आएगा यार। तो बस मतलब जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएं, बस अगर छुट्टी हो जाए और पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं है यार। बस अभी भी कुछ मतलब 10 से 15 किलोमीटर अभी दूर है यहाँ से, क्योंकि मेन वो हाईवे पे है, मेन हाईवे के जस्ट बगल में। तो भाई मज़ा आने वाला है। ताऊजी, ए ताऊजी, क्या खा रहे हो? हाँ, क्या खा रहे हो? पान पट्टी। अच्छा, ये सब गंदी चीजें होती हैं ताऊ जी। भाई जल्दी से पहुंचो, वह एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। ये भाई हमारा टावा है भाई, टावा से। तो गाइस, तो भाभी के पापा भी चलेंगे साथ में, तो जस्ट पीछे हैं। तो बस आप फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस, बस मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट और उसके बाद बस पहुँच ही जाएंगे। आई होप, हाँ यार 10 मिनट लगेगा क्या? मैंने ड्राइव लिया, पापा चला रहे हैं, मतलब पीछे वो लोग बैठे हैं ना, तो बातचीत कर रहे हैं। तो बस 10 मिनट बाद सीधे अपनी मंजिल पे। बहुत बड़ी गलती ये हो गई ना कि यार मैं वीडियो की जगह मैंने उसको स्लोमो पे लगा के यार पूरा शूट किया है, तो यार उसकी आवाज इधर से उधर हो, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तो सबसे बड़ा मतलब गुस्सा मुझे अपने आप पे आ रही, तो फोन में बैटरी भी नहीं थी, तो मैं फोन यूज भी नहीं कर रहा था कि यार मुझे वीडियो बनानी है, बैटरी खत्म हो जाएगी तो फोन मतलब वीडियो नहीं बन पाएगी। लेकिन यार स्लोमो पे बन गई भाई वो बिल्कुल ही। उसको मैं अगर एडिट भी कर रहा हूँ ना, अगर स्लोमो हटा रहा हूँ तो एडिट से, तो यार साउंड में दिक्कत हो जा रही है, थोड़ी बहुत वीडियो में मेरा साउंड आगे पीछे हो रहा है, तो यार मतलब पूरा मूड खराब हो गया यार। बहुत ही मस्त बना था और भाई जगह बहुत ही मस्त थी भाई, मतलब बहुत बढ़िया जगह पे। तो यार मैं अभी हूँ 2-3 दिन इटावा, तो मैं अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का मैं अकेले ही जाके आप लोग को दिखाऊंगा, बट अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब वापस हो गए हैं। तो मैंने अभी मैं वही एडिट, मैंने कहा चलो देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ वीडियो में, तो मैंने उसको चेक किया, देखा यार वो स्लोमो पे है, तो यार मतलब पूरा मूड खराब हो गया। तो अब सीधे इसके बाद घर जा रहे हैं, तो अब घर जाने के बाद रेडी होंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो बाद ही में बताएंगे आपको। मैं यार घर आया, उसके बाद मैं सो गया क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मैं जैसे ही लेटा भाई तुरंत मुझे इतना मैं थक गया था, क्योंकि यार कल भी ढंग से नहीं सो पाए थे और कल की भी पूरी थकावट और आज की भी थकावट। तो यार मैं घर आया सीधे, मतलब मैंने घर आके सोचा था कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा, तो लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया भाई। घर आया सीधे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 7:26, यानी भाई मतलब मैं 2-2.5 घंटे तो सोया हूँ आराम से। तो उसके बाद मैं उठा, फिर भाई मैं जल्दी जल्दी फ्रेश व्रेश हुआ, मुँह धुला और कपड़े, अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग को जाना है अभी, मैं बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ क्योंकि कल है शादी। तो आज कुछ थोड़ा बहुत जो भी काम वाम होगा, कपड़े वपड़े देने होते हैं या, तो वो हम लोग देने जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं, अगर बना पाऊंगे तो ठीक है, वरना तो फिर सीधे घर ही आएंगे क्योंकि हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो उसके बाद सीधे जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ जाना है सीधे, बस थोड़े बहुत मतलब
जो भी मतलब कपड़े लिए जाते हैं ना तो वो दिए जाते हैं, तो बस वो दे के उसके बाद कुछ नहीं, बस वहाँ खाएंगे पियेंगे। ये भी नहीं पता है क्योंकि अभी वो मम्मी जाने, तो उसके बाद फटाक से निकले। पीछे ताऊ जी बैठे हैं, ताऊ जी से कुछ पूछते हैं। ताऊ जी तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो क्या क्या लिए हो? क्या क्या लिए बहन के लिए? अपनी हम कहा लिए सो ये गाइज, मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, बस अब कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं, बस अब निकलना है। रेडी हो क्या चुकी हैं, मतलब रेडी हो रही हैं, बाल अपने सही कर रही हैं, तो मैं दिखाता हूँ। ये पीछे मम्मी अपना रेडी हो रही हैं। तो मम्मी कितना टाइम लगेगा आपको? लग जाएगा आधा घंटा। अभी आधा घंटा लग जाएगा बता रही हैं। अभी बाल मतलब बाल कंघी करने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, मतलब बाल कंघी करने में सिर्फ आधा घंटा। सो गाइज यार, मम्मी भी अब रेडी हो चुकी हैं। After 2000 year बाद मम्मी आखिरकार रेडी हो गई हैं, तो मैं मम्मी को बुला रहा हूँ। मम्मी अभी भी अंदर ही हैं यार, पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हैं। सब लोग आ चुके हैं, पापा पापा सब लोग, तो मम्मी आ गई। मैं एक बार आपको मम्मी को दिखाता हूँ। मम्मी ये मम्मी लुक दे रही है कि नहीं गाइस? सही बता रहा भाई, मम्मी एकदम मतलब ऑसम। पहली बार तारीफ कर रहा हूँ मम्मी। हाँ मम्मी अच्छी लग रही है। तो मैं अभी मम्मी और पापा की एक दो फोटो खींचूंगा प्यारी प्यारी, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो जल्दी से मैं फोटो क्लिक करके मिलता हूँ आपसे। तो पापा भी आ गए साथ में। पापा ज़्यादातर वाइट ही वाइट पहनते हैं भाई, मतलब मुझे भाई इतना नहीं वाइट अच्छा लगता, लेकिन पापा हमारे पूरे दिन भाई वाइट ही वाइट, कुछ भी होगा वाइट 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 हमेशा। मैं ज़्यादातर ब्लैक कपड़े खरीदता हूँ और पापा ज़्यादातर वाइट कपड़े खरीदते हैं, डिफरेंस ये है। सो गाइस फोटो क्लिक हो चुकी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जल्दी से। तो मतलब भाई फोटो खिंचाने के लिए आराम से इस व्यू में मतलब बैठा गया, मतलब बिल्कुल पोजीशन बता देते, वो पोजीशन से हटा ही नहीं जा रहा है मतलब। तो मैंने अच्छी खासी फोटो क्लिक कर ली है। सब लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं, लोग हैं और दैट्स ओपी। मम्मी अभी भी अंदर ही हैं, तो मम्मी लोग निकल रही हैं। मम्मी का सबसे लेट ही हो जाता है यार, मम्मी सबसे लास्ट टाइम होती हैं। सब लोग रेडी बाहर निकल गए, तो हम लोग अब निकलते हैं। गाड़ी में बैठ गए, निकल दिए हैं, तो फाइनली अब निकल रहे हैं। मम्मी सो कल मैं पूछता हूँ जी बैठे, इसलिए मम्मी लोग नहीं बोल रही, तो फटाफट अब निकल रही है, अब चीज़ें पहुँचते हैं वहीं पे। सो फाइनली गाइस आ गए हैं, पहुँचे गए हैं। आप बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं। क्या है? आप अपनी बहन के यहाँ आए हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत खराब। क्या है? क्यों खराब क्यों? पापा यार अलग ही कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो यार अब यहाँ पे जल्दी जल्दी पूरा फंक्शन फिनिश करते हैं, जो भी है कपड़े अपने। आप कपड़े देने आए हो ना? कपड़े अपने देने, फिर फटाक से यहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने घर निकलेंगे। तो घर आ चुके हैं, तो यार वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा और आराम से फंक्शन निपट गया, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो थके हुए तो हम लोग पहले से ही थे, तो जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी इतना लेट हो गया। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।